एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ इमरान भाई जी, दिल्ली छोड़िए पूरी दुनिया में कराची से आपको अच्छी बिरयानी नहीं मिलेगी। तो इमरान भाई ये है नल्ली बिरयानी लियाकताबाद की मशहूर। थोड़ी सी मिर्ची नींबू का छिड़काव करें ऐसे करके, अब बनाए नहीं वाला बूटी के साथ, अब बनाए जरा बूटी खाएं। भाई आप पैदल लेके चल रहे हैं, मैंने सुना है कराची मोबाइल वगैरह सीख जाते हैं। ऐसा रश होता है इंडिया में भी जी? ऐसा ही रश होता है, बहुत रश होता है वहाँ पर भी, पब्लिक बहुत है वहाँ पर भी ना, पब्लिक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? तो भाई कुछ अरसे पहले मुंबई से आया था एक मेरा दोस्त, और दोस्त को सलाम किया और कराची के खाने दिखाए। तो आज फिर एक बार हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से आए हमारे एक मेहमान, वो उनका ताल्लुक है जी कहाँ से सर? सर दिल्ली से हैं और जबलपुर से भी हैं। दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं और दिल्ली के खाने होते हैं बहुत बहुत ही मज़ेदार, चटकारेदार, और लोग बड़ी तारीफें करते हैं। तो आज हम कराची के खानों का मुकाबला करेंगे दिल्ली के खानों से। भाई कराची के खाने बहुत एवन होते हैं, हमारे दिल्ली के खाने भी कोई कम नहीं है। अच्छा कम नहीं है? नहीं, हमारे खाएंगे ना फिर कंपेरिजन कर ले फिर। बिल्कुल, और ईमानदारी से जवाब देंगे खाने खाने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है भाई, खाते हैं और फिर मुकाबला करते हैं कि भाई दिल्ली के खाने अच्छे हैं या कराची के। आ जाए भाई, कल चलिए कल आ जाए। तो भाई अभी हमारी पहली मंजिल है, इमरान भाई हम आपको लेकर आए हैं जावेद न्यारी। कराची में बहुत सारी न्यारी मशहूर हैं, जावेद है, जाहिद है, साबरी है, जुम्मा गुजर की आतिशी न्यारी है, इद्रीस न्यारी है, बेशुमार न्यारी है। तो भाई आप दिल्ली वाले, हमने सोचा कि दिल्ली वाले जरा न्यारी एक्सपर्ट होते हैं जी, तो आपकी तरफ कौन सी मशहूर न्यारी? हमारे यहाँ तो दिल्ली की बड़ी मशहूर न्यारी है, दिल्ली के नाम से ही है, दिल्ली के नाम से बड़ी मशहूर न्यारी है, खाने में बहुत लजीज है। लेकिन हमारी ज़्यादा अच्छी होगी ये बता दूँ आपको, ऐसा हाँ देख लेते हैं, अगर आपकी अच्छी है तो और अच्छी बात है, फिर ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। ट्राई कराएं आपको? बिल्कुल बिल्कुल, चला आ जाए, आ जा आ जा आ जा। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, कलर देखें कलर देखें, गरम गरम तंदूर की रोटियाँ जी रखें बाबा जी रखें, पेट भर के खाएँ। आगे जाना है, हलीम खाना है, बिरयानी खानी है, शुरू करें ब्रांड में शुरू करें, वहाँ कम खाइए बाबा कह रहे हैं, वहाँ कम खाना भाई। ठीक है भाई, लग रही है बताएं, देखने में अच्छी लग रही है, देखने में तो माशाल्लाह बहुत लजीज दिख रही है, बाकी खाने की बात पता। हाँ बताएं बताएं बताएं, चेहरे का तासुरात देख रहा हूँ लड़के का मैंने, बस टेस्ट अच्छा है। अच्छा है जी, बस दिल्ली के मुकाबले का है, दिल्ली से अच्छा है? नहीं बस सही है, बढ़िया है। अच्छा मतलब भाई ये कह रहे हैं कि दिल्ली की ज़्यादा अच्छी है, मतलब तासुरात बता रहे हैं, मतलब थोड़ा मेहमान है ना जी भाई। अच्छा बड़ी रसीली होती है, बहुत लजीज है। क्या फर्क है दोनों की न्यारी मिले दिल्ली वाली वर्ल्ड में? ये थोड़ा मसाले का डिपेंड है इसमें, बस वहाँ थोड़ा अंदा खाने का जो है अलग टेस्ट होता है, तो स्पाइसी होती है, ये भी स्पाइसी है लेकिन वो ज़्यादा स्पाइसी होती है, वो ज़्यादा तीखी है। अच्छा मैं लगता है थोड़ा सा ये डालें ना यार, थोड़ा सा ये डालें, थोड़ी सी मिर्ची नींबू का छिड़काव करें ऐसे करके, अब बनाए नहीं वाला बूटी के साथ, अब बनाए ज़रा बूटी खाएँ ऐसे बने। देखें भाई एक कहावत है इमरान भाई, इंडिया में भी वो होगा जिसने की शर्म उसके फूटे करम, तो आपने ऐसे करना है, ऐसे बोटी उठाएं तरह करिए, देखें ऐसे आपने बोटी लेनी है, ये हाथ गंदे हो जाएं कोई मतलब नहीं, पेट भरना चाहिए, मजा आना चाहिए, ऐसे करके आपने ये चावल की बहुत अच्छी होती है यार, मजा आया, बहुत बढ़िया नहीं आ रही है, बढ़िया ना, मसाला डाल दी तो और टेस्ट बढ़ गया उसमें। तो अभी चखें और आगे चलें? बिल्कुल, चलो थोड़ा सा खाएंगे, अब उसके बाद हमने खा जाना है, आपको हलीम पिलाते हैं, हलीम अच्छा मिलता है वहाँ पर जी, हलीम भी है, हलीम भी है जी, चलो हलीम पिलाते हैं भाई। चले भाई आगे चलते हैं, आ जाएं अगली मंदिर पे चलते हैं। तो भाई इमरान भाई आपको हम कराची का एक मज़ेदार हलीम खिलाने आए, इसका जिसका नाम भी मज़ेदार है और होता भी बड़ा मज़ेदार है,
तो दिल्ली के अलीम बड़े मशहूर है ना जी। आप क्या बहुत अच्छा मशहूर अलीम है? हमारे यहाँ करीम होटल का बड़ा मशहूर है। करीम होटल का? अरे वाह, नाम बड़ा अच्छा है यार। करीम होटल का बड़ा लजीज मशहूर है। मशहूर है जी हाँ, उनके यहाँ खाने लजीज दिल्ली के खाने अच्छे हैं। चले आए भाई, ज़रा अंदर चले के चलते हैं। और ये छोटी सी दुकान से ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट बना दिए माशाल्लाह इन्होंने जी। तो ज़रा आपको इनका हलीम ट्राई कराते हैं, आ जाए भाई। ठीक है भाई, तो मज़ेदार हलीम का आ गया भाई जी। अच्छा माशाल्लाह से करीम होटल का आपने बताया हलीम अच्छा होता है, तो भाई ये इनका बीफ बड़ा मशहूर है। ये देखे रेशे वाला हलीम बड़ा खाए ना सर, शुरुआत करें। आम मेहमान खुसूसी हैं जी, थोड़ा बोलते गाँव में खैर है, लेकिन मेहमान अपना इंडिया का पक्का ही है। देखने में अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है देखने में। आप खाने में देखें ज़्यादा बढ़िया बोले ताकि लगे आप इंडिया से आए हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है खाने में, बहुत बढ़िया टेस्ट है खाने में। प्रॉपर दाल भुटी भी होती है ना जी, गोश्त के रेशे आ रहे हैं, बिल्कुल रेशे रेशे गोश्त के आ रहे हैं। कोई दाल भुटी नहीं होती ना, बिल्कुल प्रॉपर घुट गई है, घुट गई है। वाह, एक सवाल, करीम होटल का कहा आपने दिल्ली का अच्छा होता है जी हाँ, ये अच्छा है या करीम होटल का हलीम अच्छा है, अब बताएं। ये अच्छा है ज़्यादा। अरे वाह भाई, कराची का हलीम जीत गया। मज़ेदार हलीम नहीं, मज़ेदार है। नियारी में इन्होंने कहा ये हमारी अच्छी है, लेकिन इन्होंने कहा भाई हलीम ये कराची का अच्छा है। एक पॉइंट हमारा हो गया, एक पॉइंट दिल्ली का हो गया भाई, है भाई जी। चलो जी, अब आपको क्या खिलाएं? एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ इमरान भाई जी, दिल्ली छोड़िए पूरी दुनिया में कराची से आपको अच्छी बिरयानी नहीं मिलेगी। हलीम आपने खाया ना जी हाँ। पेट ना भरे जी, कल दोबारा लाके खिला देंगे। बिल्कुल, अभी आपको बिरयानी खिलाते हैं। तो भाई माशाल्लाह से इमरान भाई को इतने पसंद आए, इमरान भाई इंडिया लेके जा रही है। जी बिल्कुल, लेकर जा रहे हैं। अच्छा भाई, तो ये इंडिया जा रहा है कराची का हलीम, अंदाजा लगा है कराची का हलीम कितना अच्छा होता है, कराची का मज़ेदार हलीम जी। बढ़िया, अब आपको खिलाते हैं ज़बरदस्त सी बिरयानी और पुलाव। तो कराची की रात देख रहे हैं माशाल्लाह, कितना ट्रैफिक है। दिल्ली में भी ऐसा ट्रैफिक होता है? हाँ दिल्ली में भी है, होता है ट्रैफिक ऐसा, मतलब गाड़ी फस के चलती है, चलती गाँव में पस्ती ज़्यादा है, पस्ती ज़्यादा है भाई, सब जगह हमारे वाले ही मसले हैं सब जगह यहाँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ट्रैफिक है दिल्ली से, ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर। हाँ, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा नहीं है। चले 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 आगे चलते हैं भाई, इनको लेकर ज़रा कराची के नज़ारे भी दिखाते हैं। ये है बड़ी मशहूर बिरयानी, ज़बरदस्त किस्म की कादरी बिरयानी, बड़ी बड़ा नाम है इसका भाई। भाई इनका कंपटीशन चलता रहता है, देखे एक कादरी का, कादरी वाले भी छोड़ते हैं, यहाँ से भी जोर होता है ये देखे। तो इमरान भाई ये है नल्ली बिरयानी, लियाकताबाद की मशहूर। तो बस शुरुआत करें, देखने में अच्छी लग रही है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी दिख रही है देखने में। तो भाई अभी नहीं निकालेगा, अभी नहीं निकालेगा नल्ली, देखे नल्ली बिरयानी नहीं खाई ना आपने जी? नहीं। ये देखे गोदा निकलेगा, ओए वाह भाई माशाल्लाह, इमरान भाई मज़ा आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, बहुत बहुत देखे भाई ये ओए होए होए, वाह भाई वाह, इमरान भाई वाह भाई वाह, वाह भाई इमरान भाई भी निकला भाई, ताली कर दिया लड़के ने, क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा इमरान भाई ये जो गोदा है ना जी हां, ये पकी भी है, इसमें घी इस्तेमाल नहीं होता, तेल इस्तेमाल नहीं होता, ये इसी गोदे से पकी होती है जी, जो पुराने तरीके से पकती थी ना वैसे पकाई भी इन्होंने। अच्छा, तो इमरान भाई अगर कम मसाले वाली खाते तो इधर की तरफ आइएगा, अगर मेरी तरह खाते तो इधर आ जाए। और गोश्त ये देखें, ये देखें, ये गर्मा गर्म गोश्त टेंडर जूसी हो रहा है, मैं आपको खिलाऊंगा मोहब्बत में, गर्म हो रहा होगा दादा ना, फुल जूसी हो रहा है गोश्त ना, ये देखें गोश्त मक्खन मलाई हो रहा है, अलाड्डी नली अली मलाई बिरयानी कैसी है? बड़ी लजीज है, बहुत लजीज है ना, बहुत लजीज है, फर्स्ट टाइम खा रहे हैं नली बिरयानी, बहुत बढ़िया जायका है, इतना नाम सुने थे अभी जब तक कराची में आए, जब तक नाम सुने थे, आज खा रहे हैं आपके साथ, बड़ी अच्छी है। ज़रा मसाले वाली खाएँ ज़रा जी, बगैर ना बोटी तो मिलाए ज़रा यार, ऐसे थोड़ी यार बोटी मिलाएँ, बोटी रखें, बोटी रखें यार, बोटी खाएँ, ये खाएँ खाएँ हाँ जी। तो वहाँ किसकी मशहूर है दिल्ली के अंदर? इद्रीस बिरयानी कह रहे थे आप जी हाँ, वहाँ की मशहूर है। अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो उसकी अच्छी लगी है, ज़्यादा अच्छी है? नहीं ये अच्छी है, नली बिरयानी है वो, तो इद्रीस बिरयानी है ही है, ये नली बिरयानी अलग है, ये बिरयानी बिरयानी है हाँ। तो भाई कराची की बिरयानी पे जीत गया, ये थोड़ी दिन नियारी में हम थोड़ा पीछे देखें,
लेकिन खैर अब आपको खिलाते हैं हम। दिल्ली में बारबेक्यू तो बड़ा अच्छा मिलता होगा ना? जी हाँ, बारबेक्यू, बटर चिकन सब बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पर भी। हमारे वहाँ दिल्ली में असलम चिकन है, असलम बटर चिकन बड़ा मशहूर चिकन है जी। तो अब उनको लेकर चलते हैं भाई, मुजाकताबाद के अंदर ही है जी, निज़ामुद्दीन अंसारी बारबेक्यू, आपको वो खिलाते हैं फिर आपने बताना है। चलिए ठीक है। ये तो भाई अब हम पहुँच गए हैं जी, कहाँ ये है जी, यहाँ का बड़ा मशहूर निज़ामुद्दीन अंसारी बारबेक्यू, और लाइट जला लेता अच्छा रहता सर जी। भैया हम पहुंच गए, देखें माशाल्लाह देखें, ओहो हो भाई फुल रश है, फुल रश है हम पे रख। तो भाई अब इनको बारी आ गई है बारबेक्यू खिलाने की, तो वहाँ कौन सा मशहूर बारबेक्यू है? वहाँ रिजवान बादल कबाब। रिजवान बादल कबाब? जी हाँ। अरे चार खंबे पे, चार खंबे पे, गोहलपुर चार खंबे। वाह, तो आप चलते हैं भाई, देखे रश बोल है बहुत है। और पता नहीं खास बात क्या है जी, अगर हम आधा घंटा लेट होते ना तो हमें कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। इनका रोजाना माल बनाते ताज़ा और ख़त्म कर देते हैं, बस रखते नहीं है। भाई हमने आपके लिए बारबेक्यू का बुफे करवा दिया है जी, अब बताऊं क्या क्या है? बताइए। तो ये है इनकी शिमला बोटी, ठीक है भाई। ये है इनका धागा कबाब, ये बड़ा मज़े का होता है, बड़ा जूसी सा होता है जी। और ये भारी दिक्कत है, ये ऐसा मक्खन मलाई की तरह होगा ना, ओहो अभी तो पानी आ रहा है। ये गोला कबाब है जी, और ये बलोची बोटी है, और ये रेशमी कबाब है, ये भी भारी दिक्कत है। तो आप शुरुआत करें, टिक्के से शुरुआत करें, करें करें आसरा ना करें, देखें जिसने की शर्म उसके फूटे करम, बस खाते जाएँ। यार क्या जूसी लगता है ना, तोड़ने से बदल जाता है ना, कैसा है गरम हो रहा है, कैसे कर लिया? गरम है, बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा ही लजीज है, इसका बहुत बढ़िया है, कितनी तारीफ सुनी थी उससे बढ़कर है। अब लगी होगी मिर्चें, चटपटा आप लगा होगा ना, मसाले जाके यहाँ लगते हैं ना, आपको लगता पता चलता है कि क्या स्पाइसिस है। तेज़ मिर्च होगी ना, लाल मिर्च जबान पर टच होगी, आपको फील होगा, लेकिन जो मसाले होंगे ना वो आपको गले में आके लगेंगे। वो क्या सर, कुछ और भी है सर? सर ये गोला कबाब खाएं ना आप जी, ये गोला कबाब खाएं, कैसा है गोला कबाब? माशाल्लाह बहुत बढ़िया, बड़ा ही लजीज है, बहुत लजीज है। ऐसा मिलता है दिल्ली में? दिल्ली में ऐसे ही मिलता है, बस टेस्ट थोड़ा अलग है, अलग है लेकिन मज़े का है, मज़े का सर। ये खाएं, इनकी सबसे जो स्पेशल है ना इनकी, मैं अपने आधा तक लाऊंगा ना, थोड़ी गर्म हो रही है, खा लीजिएगा, ज़्यादा गर्म तो नहीं है भाई। ये इनकी बड़ी स्पेशल बोटी, प्यारी बोटी, बड़ी लजीज है, मज़ा आ गया, बड़ी सॉफ्ट है। हाँ हाँ, मक्खन मलाई हो रही है बिल्कुल। ये देखें यार, ये गरम गरम माप मुँह में रखने में पूरी घुल जा रही है, इसको चबाने की ज़रूरत नहीं है। मक्खन मलाई है? मक्खन मलाई बिल्कुल। अच्छा जी सर, ये आपने शायद नहीं खाई होगी, बलोची बोटी है, ज़रा ये खाएँ। मलाई बोटी बहुत खाई होगी लेकिन बलोची बोटी खाएँ, स्पाइसी है। तो निज़ामुद्दीन अंसारी का बारबेक्यू कराची में मज़ेदार है, मज़ा आ गया, बहुत मज़ेदार है। तो दिल्ली का अच्छा बारबेक्यू लगा है हमारे वाला? यहाँ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वहाँ का तो है ही है, यहाँ का ज़्यादा मज़ा आ रहा है, यहाँ का ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। तो भाई हम बारबेक्यू में जीत गए, बिरयानी में जीत गए, हलीम भी हमारा अच्छा था, नहारी आपको कहते हैं दिल्ली की ज़्यादा अच्छी है ना जी। हाँ, तो आप दिल्ली आएंगे खिलाएंगे मैंने आई वहाँ की? बिल्कुल खिलाएंगे, हर एक आइटम खिलाएंगे। जब कराची आए ना जी, और कराची में जब तक आपने कराची का पान नहीं खाया तो आपका ट्रिप रहा अधूरा। अच्छा, अब इसको ख़त्म करते हैं, पान खाते हैं और फिर वीडियो ख़त्म करते हैं जी। भाई आप पैदल लेके चल रहे हैं, मैंने सुना है कराची मोबाइल वगैरह छीन जाते हैं। भाई छीनता जरूर है लेकिन मेहमानों का ख्याल रख लेते हैं, हमारे जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स है ना वो मेहमानों का ख्याल रखते हैं, और जो भी कोई बाहर से आता है ना उसकी हम बीमार भरपूर तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं, लेकिन इतना नहीं है, ज़्यादा बदनाम किया हुआ कराची को। वैसे एक बात बताऊँ मैं, आज आपको पान खिलाया अच्छा वाला, इंडिया के पान बड़े मशहूर है ना, वो बनारसी पान। जी हाँ, बनारसी पान है, मीठे पत्ते होते हैं, मीठे पत्ते होते हैं। हाँ, तो भाई कराची में वो कहते हैं ना कि इख्तिताम हम इस वीडियो का कर रहे हैं पान से, क्योंकि कराची वाला कहते हैं जब तक पान ना खाए ना हमें मज़ा नहीं आता। आपका भी ये हिसाब किताब है? कभी कभार जी जी, कभी कभार खाते हैं, कभी कभार। सर एक पान बनाते हैं सादा, खुशबू कौन बनाएगा, आप बनाएंगे? बनाएंगे। अच्छा पान तो हमने बोल दिया, लेकिन आप पान कौन सा खाते हैं तो बता दें। सादा खुशबू, मीठी पत्ते, सादा खुशबू। अच्छा भाई भी वही खाता है, तो पत्ती वाला खाए ना, घूमे चक्कर वक्कर आए, मजा आए, पत्ती खाते नहीं। अच्छा भाई सादा खुशबू बनाइएगा, भाई सादा खुशबू बनाइएगा, बस सही है, सही है बस। अच्छा भाई देखिए, ये हम खिलाएंगे अपने भाई को मोहब्बत के साथ, सर ये लीजिएगा, ये कराची का पान है ना सर, वेयर इज़ माई पान, आपने मुझे पान नहीं दिया, आपका भी ऐसे ही है। तो हमारा पान आ रहा है, अब तक हम बात खत्म करते हैं,
तो भाई कराची वालों की मेहमान नवाजी आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी, दिल से सलाम है कराची वालों को। मज़ा आ गया? बहुत मज़ा आया कराची में रहने में, घूमने में बहुत मज़ा आया। कराची वाले अपना दिल फेंक देते हैं लोगों के लिए। बिल्कुल, भाई बिल्कुल, तो हम आए दिल्ली तो फिर मेहमान नवाजी जैसी मिलेगी। बिल्कुल इंशाल्लाह, दिल हाजिर आप लोग के लिए, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल आइए आप। अच्छा भाई, देखिए भाई, इंडिया के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों, भाई बड़े मेहमान नवाज हैं। इंशाल्लाह फिर कभी इंडिया गए तो जरूर आया कि मेहमान नवाजी देखेंगे आप लोगों की। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, और आपको बहुत सारी ढेर सारी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह आपका सफ़र आसानी के साथ करे, और इंडिया कभी आएंगे तो इनके पास जरूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।